हेलो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्शनल ऑसिलेटर। ये बेसिकली हमारे पास जैसे हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है उसी तरह का एक ऑसिलेटर है। ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर हमने कंसीडर किया एक डिस्क ली है। डिस्क का हमारे पास सेंट्रा मास क्या है, सी है, ठीक है। इस ये हमारे पास क्या है, सेंट्रा मास है। इस पॉइंट के ऊपर हमने डिस्क को क्या किया, हैंग कर दिया है विद हेल्प ऑफ सर्टेन थ्रेड, एक स्ट्रिंग के साथ इसको लटका दिया है, ठीक है। और हॉरिजेंटल वर्टिकली, और यहाँ से हमने इसको क्या किया, फिक्स किया सर्टेन रूफ के साथ, इसको हैंग कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या था, ये डिस्क, हमें पास एक डिस्क होगी और सिंपल पेंडुलम के अंदर हम क्या लेते हैं, बॉब लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डिस्क है, क्या है, डिस्क सस्पेंड की गई है, ठीक है। सस्पेंडेड थ्रू ए वायर, सस्पेंडेड, सस्पेंड की है किसके साथ, सस्पेंडेड बाय ए वायर, वो वायर के साथ हमने इसको हैंग किया हुआ है, ठीक है। वायर टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दी, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, डिस्क के सेंटर ऑफ मास के साथ हमने इसको क्या किया है, अटैच किया है। व्हेन, जब इसको हम क्या करें, रोटेट करें, व्हेन रोटेटेड, रोटेट करें, रोटेटेड इन्हें हॉरिजेंटल, कब कहाँ करें, हॉरिजेंटल प्लेन जो हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन के अंदर हम इसको क्या करें, रोटेट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करें, इसको रोटेट करें। तो रोटेट करने से क्या होगा, रोटेट हॉरिजेंटल प्लेन, प्लेन के अंदर हम रोटेट कर रहे हैं। इस काल उसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज, उसको कहा जाता है टॉर्शनल ऑसिलेटर। उसको क्या कहते हैं हम, टॉर्शनल ऑसिलेटर कहा जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली वी आर अप्लाई सर्टेन फोर्स। हम क्या लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कंसिडर कर लूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। ये सेंटर से मैं एक लाइन ले रहा हूँ, टू ये पॉइंट हमारे पास क्या है, पी है, सेंटर से सी टू पी, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। सी को हम सेंटर को हम वो कंसिडर कर लेते हैं। ये क्या है, ओ टू पी जो लाइन हमारे पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम द ये रेफरेंस लाइन। ये क्या है, रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं। ओ पी हमारे पास क्या है, दिस ओ पी इज नोन एज द, ओ पी इज अ रेफरेंस लाइन, क्या बेटा, रेफरेंस लाइन हमारे पास। इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, इस डिस्क को रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, ट्विस्ट पैदा करेंगे, क्या करेंगे बेटा। अब जब इसको हम रोटेट करेंगे, इसकी न्यू जो पोजिशन होगी, ये पोजिशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ओ टू क्यू हो जाएगी। क्यों होने की वजह से क्या होगा, दैट मेक सम एंगल, यहाँ पर क्या बनेगी, कुछ एंगल बनेगी पी के साथ। पी के साथ देखें तो यहाँ पर क्या बना, एंगुलर थीटा एक एंगल बन गई, जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब ट्विस्टिंग एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने इसको डिस्क को रोटेट किया, मीन जैसे सर्टेन फोर्स अप्लाई की तो ये रोटेट हुई। रोटेट होने से जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्या होगा बेटा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट इंटर की क्लासेस के अंदर। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ को हम यूज करते हुए इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हुक्स लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है कि हमने कहा है सिंपल दैट जो फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टूवर्ड द मीन पोजिशन। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, दिस टॉर्क जो इसमें टॉर्क हमने प्रोड्यूस किया है, टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू ट्विस्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने इसको रोटेट करने के लिए जो ट्विस्ट किया है वो क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन द डिस्क। जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो डिस्क के अंदर क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा, वो क्या बनेगा, इस डिस्क को अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके आएगा। क्या लेके आएगा बेटा, ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके आएगा। स्मॉल ट्विस्ट, अगर हमारे पास स्मॉल ट्विस्ट, द रिस्टोरिंग टॉर्क फाउंड द प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो टॉर्क होगा वो क्या होगा बेटा, हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुक, यहाँ पर हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, द टॉर्क जो होगा, टॉर्क जो टर्निंग इफेक्ट है प्रोड्यूस, जो हमने इसमें प्रोड्यूस किया है ड्यू टू ट्विस्ट, जिसको रोटेट करने की वजह से, ड्यू टू ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब जब इसको हमने फोर्स लगाया, एबिलिटी या बॉडी टू टर्न इज प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने आपको बताया ना कि एंगल थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे रेफरेंस पॉइंट से इसने क्या क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो हमारे पास क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास जो टार्क होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
तो यहाँ पर हमारे पास की मैथामेटिकल इक्वेशन बनेगी दैट कैन रिटन एज, उस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो टॉर्क जो है हमारे पास क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके साथ, थीटा के साथ। व्हेन वी रिमूव ए कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी पुट ए सर्टेन कॉन्स्टेंट, हम क्या करेंगे जब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे ना, ये हमारे पास जो सिंबल है ये कौन सी टाउ है, टाउ इज द सिंबल विच इंडिकेट द टॉर्क। अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्स्टेंट क्या है, के कॉन्स्टेंट होगा, ठीक, कापा जिसको कहा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास थीटा, ये जो हमारे पास कौन सा कॉन्स्टेंट, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है, ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ वायर, ये जो वायर हमने लिए जिसके साथ इस डिस्क को हमने अटैच किया है, वायर की नेचर क्या है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं कॉन्स्टेंट, पुट करते हैं दैट कॉन्स्टेंट नोन एज ए टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, यहाँ पर है हमारे पास, और ये जो डिपेंड कर रहा है टॉर्शनल कॉन्स्टेंट जो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वायर, ये किस पे डिपेंड कर, इट इज डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ वायर पे डिपेंड कर रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर वायर को हम चेंज करेंगे तो इसकी जो के की जो वैल्यू है कापा की, ये भी हमारे पास क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब इसके साथ यहाँ पर समटाइम क्या डालते हैं, नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट करती है, कि जो टर्निंग इफेक्ट है या रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टूवर्ड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मीन हमने बॉडी को ऊपर लेके गए तो इसको रिएक्शन फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स उसको क्या करिए, रिस्टोर करिए टूवर्ड द मीन पोजिशन, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर ये इंडिकेट करिए टॉर्क इज डायरेक्ट अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव साइन यहाँ पर ये बता रही है जो टॉर्क है ना वो क्या है हमारे पास अपोजिट है, टॉर्क जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन हमारे पास इंडिकेट कर रही है, जो टॉर्क यहाँ पर है, टॉर्क जो यहाँ पर है इस टॉर्क इज डायरेक्टेड अपोजिट डायरेक्शन में, कहाँ पर बेटा, डायरेक्टेड अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट होगा किसके, एंगुलर अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ समझ लेना है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये हमारे पास दिस द इक्वेशन ऑफ टॉर्शनल, यहाँ पर क्या है के टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, और यहाँ पर क्या है अगर कापा का यूनिट निकालें तो हमारे पास क्या होगा न्यूटन पर मीटर रेडियन, क्योंकि थीटा को हम मेजर करते हैं रेडियन के अंदर, किस में मेजर करते हैं रेडियन के अंदर, और ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास, ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ वायर, वायर को चेंज करेंगे तो हमारे, और ये जो कॉन्स्टेंट है दिस कॉन्स्टेंट टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज कापा, इसको क्या कहा जाता है, कापा कहा जाता है, KAPPA, कापा इज द कॉन्स्टेंट फॉर द, इसका जो कॉन्स्टेंट उसको हम क्या कहते हैं, कापा कहा जाता है। माइनस साइन इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ है, टूवर्ड द मीन पोजिशन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो थीटा है थीटा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जिससे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हमने इसको ऊपर लेके गए, ये कहाँ आया, टूवर्ड द मीन पोजिशन आ रहा है ना, तो मीन ऑलवेज टूवर्ड द मीन पोजिशन, जिस तरह हम ये पढ़ गए फिजिकल टू माइनस के एक्स, हमने कहा रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड द मीन पोजिशन होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन के क्या था, वहां पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट था, इन ए टॉर्शनल ऑसिलेटर, ये एक एप्लीकेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और इसके अंदर जो के क्या है हमारे पास टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है। अगर फर्दर हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है, तो इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बनेगी, जिसके लिए हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास क्या है, इसको मैं फर्दर क्लियर करता हूँ, इस इक्वेशन को आप याद करें, टाउ इज इक्वल टू के थीटा, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू के थीटा, इस इक्वेशन को हम याद रखते हैं, के नॉन दैट टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या है न्यूटन सेकंड लॉ को हम यूज करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर, न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास किसमें, एंगुलर मोशन के अंदर हम यूज कर रहे हैं, एंगुलर या फिर हम कह लें कि रोटेशनल मोशन के अंदर जो एंगुलर हमारे पास टॉर्क जो होता है वो क्या है न्यूटन सेकंड लॉ, ये बराबर होता है आई अल्फा, अल्फा इज नोन द एंगुलर एक्सेलरेशन, जब डिस्क को हम रोटेट करें दैट प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पर के था और यहाँ पर ये वन थी, और ये हमारे पास कौन सी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस कैन बी रिटन एज माइनस के थीटा,
इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है यहाँ पर, ये आपने पढ़ा भी होगा, आई इज नॉन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपने पढ़ा भी है फर्स्ट ईयर के अंदर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन द, इसका फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या है बेटा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर यहाँ पर हमें क्या निकालना है, के के माइनस के थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, हमें यहाँ पर निकालना है मोशन ऑफ टॉरिशनल ऑसिलेटर की इक्वेशन। तो उसके लिए हम फर्दर इसको मूव कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या आई अल्फा, आई अल्फा हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सलेशन है। क्या बेटा, ये अल्फा जो है कि अल्फा इज नॉन एज एंगुलर एक्सलरेशन है, अल्फा क्या हमारे पास यहाँ पर एंगुलर एक्सलरेशन है। तो इसके लिए हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव होगा किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये क्या एंगुलर एक्सलेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस एंगुलर एक्सलेशन जो बराबर होती है डी स्क्वायर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय डी टी स्क्वायर, तो ये फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस के थीटा इज इक्वल टू आई, और यहाँ पर क्या है अल्फा की वैल्यू है डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थीटा जो है हमारे पास क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर ये आई जो है हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आई को इस साइड लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन के अपॉन आई इंटू थीटा, और यहाँ पर क्या है माइनस है इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में फर्दर अगर ये माइनस का है उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस का था इस साइड आएगा तो प्लस के अपान आई, के इज अ कापा नॉट द कॉन्स्टेंट, तो ये क्या होगा थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास क्या है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द मोशन, मोशन ऑफ टॉरिशनल ऑसिलेटर, मोशन ऑफ टॉरिशनल ऑसिलेटर की जो इक्वेशन हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वेशन डी स्क्वायर थीटा अपान डी टी स्क्वायर के अपान आई, और यहाँ पर क्या है थीटा, और ये क्या है जीरो के बराबर। मोशन ऑफ टॉरिशनल ऑसिलेटर की जो इक्वेशन हमारे पास इसके बराबर होगी। तो फर्दर हमारे पास क्या है कि हमने पहले पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन के अंदर, जहाँ पर हमने पढ़ा डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या के, और यहाँ पर हमने प्लस और के अपन एम, और यहाँ पर आया था थी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास थी इक्वेशन किसके लिए, सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमने इक्वेशन फाइंड की थी, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस के ओवर एम इंटू एक्स। ये हमारे पास किसके लिए थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जिसमें हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम था ना, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमने इक्वेशन फाइंड की थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास टॉरिशनल ऑसिलेटर था, तो यहाँ पर क्या है के कापा है, यहाँ पर ये नहीं, ये सेम है, ये दूसरा है कापा है, और ये क्या है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। ये डिपेंड कर रहा है कि रोटेशनल में इनर्शिया के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये किस पे मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज ए मैथमेटिकल आइडेंटिकल इक्वेशन होगी दोनों, हमें यहाँ से पता चला है कि मास स्प्रिंग सिस्टम और टॉरिशनल पेंडोलियम भी हमारे पास क्या है किस्म का ऑसिलेटर है, वो अप्लीकेशन है किसकी, सिंपल। तो हमारे पास सिंपल हमें ये पता है कि एक्स इज इक्वल एक्स एम, ये इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव भी करवाई थी कॉस ओमेगा टी प्लस पाए, ये इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करवाई थी। ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन या मास स्प्रिंग सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट। तो इस इक्वेशन में अगर हमें ये एक्स जो है यहाँ पर क्या है थीटा के बराबर है जो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एम्पलीट्यूड थीटा एम के बराबर है, और यहाँ पर क्या है कॉस, और यहाँ पर क्या ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉरिशनल ऑसिलेटर है, ठीक है, और सर्टेन टाइम किसी भी टाइम के ऊपर, ठीक है। ये किसके लिए हमारे पास, जिसके लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉरिशनल ऑसिलेटर का, जो हमारे पास टॉरिशनल ऑसिलेटर का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉरिशनल ऑसिलेटर, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉरिशनल ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस पाए। अगर यहाँ से हम सिंपल जैसे हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड की थी, तो इसके अंदर जो ओमेगा होगा, ओमेगा को ये फर्दर आप कैलकुलेट कर लें, आप एच आर के को बुक का फॉलो करें, और यहाँ पर के ओवर आई होगा, जैसे मैंने आपको पहले के ओवर एम वाली क्वेश्चन ड्राइव करवाई थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो